Congress headquarters, where we understand that Congress President Sonia Gandhi and Prime Minister Manmohan Singh have reached. This is for the formal launch, or rather unveiling, of the Congress party's manifesto. All right, so the manifesto is likely to focus heavily on social sector and the legislations, not very different from what was projected in 2009. But the fact that will set this manifesto aside from the other times is the fact that it might talk about the issue of black money and getting black money that is stashed away abroad back to India. Now, also, we understand that the Congress party is likely to target the urban youth, and therefore there is talk about possible reservation in private sector. So, jahunne ke batega ki hamare 2014 ke chunav ke liye ghoshna patra kiya hai, lekin ek baat to main aatmavishwas se keh sakta hu ki Congress ke ghoshna patra ek एक निश्चित विचार होता है, एक निश्चित दृष्टि होती है, और जो कुछ हम कहते हैं उसी क्रम में आगे देख करके कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ न कहते हुए मैं घोषणा पत्र की प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी है। यह घोषणा पत्र कैसे बना, क्या नई प्रक्रिया अपनाई गई, 6 मिनट की फिल्म में घोषणा पत्र अपनी कहानी आपके सामने खुद कहेगा कि वो कैसे बना है। प्रक्रिया अपनाई गई, 6 मिनट की फिल्म में घोषणा पत्र अपनी कहानी आपके सामने खुद कहेगा कि वो कैसे बना है। This process is something that all of us here appreciate, a process that is unique. मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड बनाया है, इस तरीके का बोर्ड दिल्ली और जिस स्टेट में नहीं है उसमें बनाया जाए। 40 बरस से मैं रिक्शा चला रहा हूं और कोई लाभ हुआ नहीं। हमने पिछले 10 साल में जो सरकार चलाई है, हमने कोशिश की है कि गरीबों के नीचे हम एक फर्श डालें, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो। हमारी कोशिश रही है जो गरीब है उसको ऐसे लगे कि उसके पैर के नीचे एक जमीन है, कि वो उससे नीचे तो ना। The last manifesto of the Congress party had women under the category of the weaker section of the society. This time I don't want to see that. Excellent. That's what we're going to put in there. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कंप्लीट गैंड ऑफ एसिड रिटेल मार्केट ने ये मिलना ही नहीं चाहिए। आई पर्सनली डोंट थिंक वी आर गोइंग टू चेंज दिस कंट्री बाय यूजिंग एंगर और बाय यूजिंग हेट्रेड। ऐसा कानून लाएं कि जैसे सारे प्रदेशों ने किया है, तो ये सारे प्रदेश एक ही तरीके का मानदेय हम आंगनवाड़ियों के लिए लागू करें। 50% महिला को हम प्रगति नहीं देंगे, अगर उनको हम शक्ति नहीं देंगे तब तक ना प्रदेश आगे जा सकता है ना देश आगे जा सकता है। दैट बोडोलैंड वी आर हैविंग 12.19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, बट फ्रॉम द इंसेप्शन डे वी आर गिविंग ओनली 3%। ऑल दीज काउंसिल्स शुड बी ब्रॉट अंडर द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव दैट
the more power we give to the people of our country, the better it is for the country. OPDs जो है वो महिलाओं के लिए सेपरेट रहे। मैं चाहता हूं आज से अगर कांग्रेस पार्टी के आप मुख्यमंत्री को देखें आज से 5-7-10 साल बाद 50% महिलाओं। मेरा कहना ये है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हम लोग को अलग करके फिजिक्स मिनिस्ट्री बनाइए ताकि हमारी योजना हमें सफल होने में मदद हो सके। जोड़ के निरंतर है हम गरीबों को क्या आप है ना हमारी कोई सूचना नहीं है कोई हमारी मजदूरी नहीं है कोई बच्चा और सुविधा नहीं है हमारा तो बुरा हाल है। 2009 पे रेट बढ़ा हमारा 40 पहले 25 रुपए था 25 से 40 रुपए हुआ अब 40 से अब 2014 हो गई अब हमारे रेट और कुछ बढ़ा दिए जाए हमसे आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोई कुली का काम करता है कोई मजदूरी करता है बढ़ाई का काम करता है धोबी का काम करता है ये थोड़ा सा अधिकार चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या हम कम्युनल फिर इंडिया देख सकते हैं क्या इसका पाप देख सकते हैं? दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है इल्म और हुनर। भारत हम ये डिलीवर कहीं ना कहीं अपने दिल में असुरक्षित महसूस कर जो भी मिनोरिटी का किसी भी स्टेट के अंदर है वो सेफ है ना उनको निकाला जाएगा। Now I request Sri A.K. Antony ji, Chairman of the Manifesto Committee, to say a few words. Respected Congress President, respected Prime Minister, respected Vice President Rahul ji, dear Dived ji, Sri Makan ji, members of the Congress Working Committee, my colleagues in the Union Cabinet, PCC President, CLP leaders and senior Congress leaders, Seva workers and Mahila workers, friends and friends from the media. Today is a great day for all of us. All these years, all political parties followed a particular system in preparing the manifesto. Sitting in Delhi, most of the parties used to prepare the manifestos. This time, we have deviated from that past practice. Congress adopted a novel method of preparing the Congress manifesto. This novel method is possible only because of the determination and guidance by our respected Congress Vice President Rahul ji. The day one of the preparation of manifesto onwards, she was particular. 2014 manifesto must reflect, it must truly reflect the voice aspirations of the Indian people all over the country, and this manifesto must bring out a new vision for India. With this end in view,
We have organized a series of consultations all over India. Nearly 5 months took place to prepare this manifesto. And one glad thing is, in most of the interactions held in various places of India, far-flung areas, Rahul ji personally attended, interacted always together with cross sections of our society. That is why this time I'm happy to tell our manifesto is really a novel, new manifesto. I'm happy we are able to include many of the important suggestions from we got from the interactions. But at the same time, I feel sorry because even though now we included many of the suggestions, this manifesto itself is one of the lengthiest manifesto. So we are not able to include all the suggestions given by various cross sections of the people. We will find some other mechanism to bring out all these suggestions before the people. I'm sure the Indian people, cutting across caste, creed, regions, this time will vastly approve this manifesto, and I'm sure this will strengthen the Indian National Congress. We will be able to come back again under UPA. Thank you very much once again. Thank you. अब मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ शब्द कहें। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, श्री के एंटनी जी, जनार्दन द्विवेदी जी, अजय माकन जी, सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, friends, members of the press, I'd like to welcome all of you here today. Some 5 months ago, the Congress Party decided to make its manifesto in a completely different way. We decided that instead of making the manifesto in closed rooms, we were going to take the discussion to the people of India, and we would ask the people of India what they thought. You saw in the movie mainly interactions with me, but in fact, there were many, many, many interactions with leaders of the Congress Party, with senior leaders of the Congress Party and the common man, business, poor people, coolies, laborers, women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that we have here is truly the voice of the people of this country. We had a manifesto in 2009. And I'm proud to say that 90% of what we had written in that manifesto had been delivered by the UPA government and the Prime Minister. And we commit to doing exactly the same with the 2004 manifesto. I'd like to say a little bit about what the Congress Party stands for that is different than our opponents. We believe that for this country to grow, there needs to be a firm partnership between business, between the economic sectors of this country, and between the poor. We believe that you cannot grow this country neglecting either business or neglecting the poor people. And the best party, the best ideology to do this is the Congress Party. I'd like to say a little bit in Hindi for the people I spoke to. आपके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी और आपने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए. दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हमारे कुली भाइयों ने हमें सुझाव दिए, महाराष्ट्र में मच्छीमारों ने हमें सुझाव दिए,
महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सब ने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में तराई से आपकी आवाज़ डाली है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं कि वो जो 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन और मिडिल क्लास के नीचे, जिनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं, मैं आपको वायदा करना चाहता हूं जो भी आपने हमें इस मैनिफेस्टो में लिखने को कहा है वो हम आपके लिए पूरा करेंगे। गरीब जनता से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने आपके पैरों के नीचे एक अधिकार का फर्श डाला है, उस फर्श को हम और गहरा करेंगे और मजबूत करेंगे कि आप भी लगे कि हिंदुस्तान में आपके लिए जगह है, आपकी प्रगति के लिए जगह है। और जो हमारे बिजनेस के लोग हैं जिनकी राय भी इसमें, इस मैनिफेस्टो में है, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए हम ईज ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको तेजी प्रगति लाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध है कि वे कुछ बात कहें। रेस्पेक्टेड सोनिया जी, डियर राहुल जी, एंथनी जी, द्विवेदी जी, अजय माकन जी, मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कांग्रेस यूनिट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डे इज अ यूनिक डे when the Congress party is going to recommit all of us to a new vision, a vision of an inclusive society, a rapidly expanding economy in which growth benefits all sections of our society, and that in the process we generate lot more new jobs to provide to the young people of our country. Today there is discussion everywhere about who is good at guaranteeing or providing development. Now, development has many models. One hears these days about Gujarat model. One hears about other models. And the Congress model is the model which recognizes that there is a need for an expanding economy to provide lasting solutions to the problems of poverty. But that growth by itself is not sufficient to achieve the solid results of an inclusive growth process. It needs to be backed by adequate concern about education, about health, about the needs of our women, the needs of our scheduled caste, scheduled tribe, and other backward class citizens. People ask, what is the record of the Congress party? I say the Congress record, Congress record is visible to everyone who cares to look at it. We provided an agenda for growth. In the NDA period, 98-99 to 2003-04, the growth rate average was 6%. In the UPA 1, 2004-05 to 2008-09, the growth rate
was 8.4%. UPA 2, 2009-10 to 12-13, 7.3%. So we have delivered more growth than our opponents claim that they are capable of delivering. Our farmers are the backbones of our economy. In the NDA period, agricultural growth rate per year was 2.9%. In UPA 1 period, it increased to 3.1%, and in UPA 2 period, it increased to 3.6%. Industrial growth in the NDA period average was 5.5. In the UPA 1 period, it rose to 9.2%, and in UPA 2, it declined, but still it is above the 5.5% growth rate of the NDA period. The average is 6%. Poverty reduction is a major objective of all development planning in a poor country. Between 93-94 to 94-95, the average annual decline in poverty was 0.74%. In the last 10 years of the UPA 1 and 2, the decline rose to 2.18%, and we were able to lift 14 crores people above the poverty line. Investment is a prime necessity if we want to improve the growth rate of the economy. In the NDA period, growth rate was 25.2%. In the UPA 1 period, 35.2%, and in UPA 2, 36.1%. In all respects, the record of the Congress Party UPA in creating opportunities, creating an environment conducive to rapid economic growth, has been superior than during the NDA period. Now, we come before our people with an agenda of what we plan to do in the next 5 years. And here in this election manifesto of the Congress Party, we have spelled out a vision of inclusive growth, a growth process which touches the lives of all people, particularly those who are poor and below the poverty line. Growth has many dimensions, and I'm glad that the Congress election manifesto spells out our strategy for accelerated growth, and I don't think anyone can improve upon the growth process outlined in the election manifesto of the Congress Party. We need more investment. We need more emphasis on job creation. We need a lot more emphasis on agricultural growth. We need a lot more emphasis on education. We need a lot more emphasis on health. And all these are spelled out in great detail in the election manifesto. It's an election manifesto which appeals to the concerns and needs of all sections of our society. It is an election manifesto which seeks to unite all our people behind the Congress Party, behind Sonia Gandhi ji,
behind Rajiv, behind Rahul Gandhi ji. So, brothers and sisters, there are attempts to spread disinformation. And this election manifesto will attempt and has attempted to project a picture, a vision of the Congress process of growth, which I would invite you to read carefully. This is an election promise which covers the needs of all sections of our society, farmers in particular, scheduled castes, scheduled tribes, our women, our children, and in that process, this is a forward-looking document. I invite you to read it carefully. I invite you to endorse it because it responds to the felt needs of the people of our country. Jai Hind. अब कांग्रेस अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष राहुल जी, एके एंटोनी जी, द्विवेदी जी, अजय माकन जी, हमारे सहयोगियों और मीडिया के साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस बार के हमारे मैनिफेस्टो को तैयार करते समय एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। देशभर में समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशविरा किया गया, उनके काफ़ी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे अगले कुछ दिनों में। वैसे हमारे सरकारों ने हमेशा देश के आम नागरिक की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा करने का प्रयास किया है। आपने खुद देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का समय एक ज़बरदस्त आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण का समय रहा। पिछला एक दशक देश के लिए तेज आर्थिक विकास का समय था। ऐसा समय था जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार खुले हैं। ऐसा समय था जिसमें सभी प्रदेशों और पंचायत राज संस्थाओं को बेमिसाल आर्थिक सहायता मिली। ये एक ऐसा समय था जिसमें सांसद द्वारा अनेक दूरगामी और ऐतिहासिक विधेयक पास हुए हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में इन कार्यों और उपलब्धियों की स्पष्ट रूपरेखा थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की है। इसमें हमने सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है,
जिससे सबकी सेहत की देखभाल एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास के अधिकार का भी दावा कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेजी से वापस लाएंगे, जिससे हमारे युवा की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी हो। हम सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की भलाई और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई नए कार्यक्रम का संकल्प ले रही है। ये तो सिर्फ कुछ वादों का ही जिक्र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 2014 का चुनाव सिर्फ अच्छे कार्यक्रमों, योजनाओं और आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव देश के उस संवैधानिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए है, जिसे हमारे स्वाधीनता सेनानी पूर्वजों ने कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें सौंपा था, और जो संविधान न केवल हमारी अनेकता को स्वीकार करता है बल्कि सम्मान के साथ उस पर गर्व करना भी सिखाता है। इस चुनाव में हम एक रूपता नहीं, एकता के लिए संघर्ष करेंगे। इस चुनाव में हम उस सामाजिक विचार के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों को आपस में लड़ाता नहीं बल्कि भावना के एक तार में जोड़कर रखता है। हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हर स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे, और हम इस चुनाव में एक ऐसे नेतृत्व के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों का सशक्तिकरण करता है और उनकी सामूहिक शक्ति का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्थक उपयोग करता है। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जिसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा कौन सी है, हमारा क्षेत्र क्या है, या हम किस जाति में पैदा हुए हैं। हम ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सेक्युलर है और जहां सिर्फ यह महत्वपूर्ण है कि हम सब भारतवासी हैं। हम इस चुनाव में एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष करेंगे जो सिर्फ कुछ चंद लोगों का नहीं बल्कि एक ऐसा भारत जो हम सबका है और उस पर हम सबका बराबर अधिकार है। मित्रों, भले ही दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव घोषणा पत्र एक रस्म हो, उनके लिए यह वोट लेने का एक साधन हो, लेकिन हमारे लिए ये एक पवित्र दस्तावेज है। सिद्धांत जबान से बोलने और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होते, सिद्धांत अपने जीवन और कर्म में अपनाने के लिए होते हैं। कांग्रेस की यही परंपरा है,
और हमारा यही संकल्प है कि हम इस परंपरा का हर कीमत पर पालन करेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अब घोषणा पत्र का लोकार्पण होगा। आई रिक्वेस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू रिलीज द मैनिफेस्टो। अब आप लोग थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और उसके बाद सभी लोग दोपहर के लंच के लिए निमंत्रित हैं। अजय माकन जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्री ए के एंटनी जी, श्री जनार्दन द्विवेदी जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे मीडिया के साथीगण, अभी जब आप प्रश्न पूछेंगे मैं कुछ चीज़ें ग्राउंड रूल्स के तहत दो तीन बातें मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। एक तो स्पष्ट प्रश्न पूछें, केवल वो जिनका नाम लिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो पाएं। दूसरा, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कृपया करके ना पूछें। और तीसरा, कॉर्डलेस माइक वहाँ पर हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके पास में उपलब्ध है और जैसे ही मैं नाम लूँगा ये वहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में और आपको माइक देंगे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, आप किनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप प्रश्न पूछते समय इसका भी मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे एजेंसीज के लोगों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया में भी हिंदी, इंग्लिश और वर्नैकुलर सब लोगों को हम लोग मौका दें। लेकिन मैं समझता हूं कि आप हमारी इस बात को भी समझेंगे कि 350 की संख्या में बहुत ही कम लोगों से हम सवाल पूछवा पाएंगे, लेकिन सवाल आप सबके सब लोग रिपीट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि सबके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो मैं पहला प्रश्न, मैं समझता हूं कि हमारे को एजेंसी से शुरू करना चाहिए और अजय कॉल पीटीआई से अपना प्रश्न पूछे। जी अजय कॉल, ये कॉर्डलेस नहीं चल रहा है। हेलो, कैन आई स्पीक? यस प्लीज गो अहेड। माय क्वेश्चन इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर प्लीज। सर, यू जस्ट हाईलाइटेड हाउ योर गवर्नमेंट परफॉर्म ड्यूरिंग लास्ट 10 इयर्स, but BJP and other parties have been accusing you of being the most corrupt government and they have been attacking your tenure continuously. What is your answer to this? Thanks.
BJP attacked me because the BJP felt that I was a weak prime minister and that under their constant criticism, I would run away from the job that the Congress party has entrusted me to do. I think I have proved them wrong, and therefore, there is no reason for anyone to believe that the BJP had substance in what it set out to argue. Corruption is an issue in a developing economy. Corruption cannot be wished away, but every effort has to be made to overcome these tendencies which give rise to corruption. The Congress Party government has done everything in its power to work out a blueprint, an institutional framework where corruption will be a thing of the past. And I am confident that the next Congress government will be able to overcome whatever tendencies may have been there with regard to dealing with corruption. We will be able to overcome those difficulties, and that there will be a Congress government which would be a government which will answer the urges, the needs and aspirations of our people. K.V. Prasad from Tribune. My question is to the Congress President. Ma'am, the opinion polls give you a very dismal figure of the way Congress is heading to in these elections. UP was one area where you got a rich harvest of seats. Is there a way you can replicate? And will the Congress send somebody in Banaras? If so, is there a chosen one? Are you going to challenge the Varanasi seat? If so, is there a chosen one? Most certainly we are going to challenge the Varanasi seat. We still have not decided on the candidate. Why should we not? And as far as the first part of the question is about how confident we are about winning the elections, is that the question? Yes, ma'am. Opinion polls. Well, opinion polls, I frankly must admit I don't have much faith in them, because they have been proved wrong again and again. If you remember, in 2004, the Congress was over, the story of the Congress was finished, and we were going to lose badly. Well, the story of the Congress continued. Similarly, in 2009, we were going to lose, but we won. We got a bigger number of seats than in 2004. So. This proves that surveys are really not, we can't sort of go 100% on surveys. So I'm quite confident. I'm quite confident that we will do well. Our people are ready to fight. Many have already started the fight, and we will win. Yes. Amit Mishra from Dainik Bhaskar. राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, और ये माना जा रहा है कि उनके पक्ष में एक लहर सी है। आप और आपकी पार्टी कितना चैलेंज मानते हैं मोदी जी को? इसी सेटिंग में यहीं पर सवाल उठा था कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी पिटाई होने वाली है, और यह सवाल आपने हमसे पूछा था, और आपने यहां
आपके ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में 5 सीटें मिलेंगी, वही एनडीए की वेव थी, वही कांग्रेस पार्टी की पिटाई होने वाली थी जो 2004 में और 2009 में नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा उससे आपको आश्चर्य होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी, जहां तक यूपी की बात, यूपी में हमारा परफॉर्मेंस 2009 जैसा परफॉर्मेंस, रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। अब आप इस बात को माने या ना माने, पिछली बार भी मैंने कहा था, आपने नहीं माने, चुनाव होगा पता लग जाएगा। जो आपने मोदी जी की बात की है उसमें मैं थोड़ा दो शब्द बोलना चाहता हूं। मोदी जी एक इंडिविजुअल है, मगर मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा है, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। वो विचारधारा हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली विचारधारा है और उस विचारधारा को हर कांग्रेसी लड़कर हराएगा। नंदिता सुनेजा, टाइम्स नाउ। माय क्वेश्चन इज आल्सो टू राहुल, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, राइट हियर वेयर अमित वाज, सेम प्लेस। माय क्वेश्चन इज दैट द प्राइमरीज इज योर, यू नो, लवेड एक्सपेरिमेंट, सो टू स्पीक, बट येस्टरडे योर ओन प्राइमरी कैंडिडेट फ्रॉम बड़ौदा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मधुसूदन मिस्त्री जी टू फाइट मोदी, and also a lot of concerns in your own party, though they would not say it on record, about the primaries. One of the biggest criticism is that those who are electing the candidate are not elected members themselves. So on both these, please. The primaries are a very small step, and the step is designed to demonstrate a very simple thing. It is designed to demonstrate that candidate decisions can be successfully taken with the input of large numbers of people. 15 seats in the Congress party have been chosen by approximately 12,000 members of the Congress party, and each one of those 12,000 members has been given a guaranteed right to choose those seats. Now, that is an extremely powerful idea. Every party talks about involving people when they are giving tickets. Nobody actually does it. The Congress party has actually gone and done it. That's the point. The second point is that it is true that there are shortcomings in every new process, and this process must not be seen as a process, it must be seen as an idea, and the idea is represented here in this discussion as well. The idea is that 500,000 people have their voice in this manifesto. It's the same idea in the primaries, that we need to move away from very few selected people choosing who will represent people in this country. And I think it's a very powerful idea. It will only deepen. Let me point that out. Yesterday's decision, the candidate himself felt that as it was a senior member of the opposition, the candidate himself felt that if the party felt that a heavyweight should fight that election, the candidate was giving his place to that person. There was another, you see, the important thing about the primary is the idea that 15 seats have been decided by Congress members, district presidents, block presidents, youth Congress members, NSUI members, Mahila Congress members, etc. That is the important thing, and that is something that we are going to carry on deepening. There will be issues in one or two seats,
And those are things that, you know, come in any process. Thomas Dominic from Malayalam Manorama. Fighting perseverance for quite some time. The latest has been that you have fallen in the campaign front. Your committee on alliance failed miserably in finding out new friends and unlikely to get more seats from Andhra Pradesh or UP or Bengal or even Tamil Nadu, from where you got reasonable number of seats last time. My question is, do you have any game plan as of now in the coming days to make up for the lost time, or are you prepared mentally to sit in the opposition? Well, This has been spoken about a lot, and journalists have asked me also about, you know, our alliances, and I just like to point out exactly what the situation on alliances is. Large numbers of the NDA, previous NDA, are not supporting the current incumbent. The current candidate. You have the BJD, who is not supporting the NDA. You have Mr. Nitish Kumar, who is not supporting the NDA. And there are others too. On the other hand, the Congress party has an alliance with the RLD. It has an alliance with Lalu Yadavji. It has an alliance with JMM. It has an alliance with Sharad Pawarji. So, yes, it is true that we do not have an alliance in Tamil Nadu. And it is true that we do not have an alliance in Bengal. But it is also true that we have an alliance in Jharkhand, in Orissa, with the JMM, and we have an alliance with the RLD in UP, and we have an alliance with Lalu Yadav, which we didn't have. In fact, if you look at the alliances, we are pretty much where we started. And it's the BJP that doesn't have the alliance. That's the fact. Now, the projection is different. The projection in the media is that everybody, all the alliance partners of the Congress party have gone, and BJP is getting large numbers of new alliances. Well, they don't have one in Bihar. They don't have one in Orissa. They don't have one in with one of the major parties in Tamil Nadu. So that's perception. Now, when it comes to perception, I would have to admit that the India Shining campaign was a brilliant campaign. Everybody, including you, was convinced that the BJP was coming to power with 250 seats. And then on the day of the election, the India Shining campaign evaporated. And it was exactly the same in 2009. The BJP has the ability to carry out campaigns like India Shining. And they're doing it right now. We will see what the outcome of this election is on the day the ballots are cast. And I'm pretty confident that just like the balloon of India Shining exploded, this balloon too will explode. Certainly, I have a slight understanding of Uttar Pradesh. And I can tell you, certainly this balloon is going to burst in Uttar Pradesh. 100%, not 90%, 100%. Javed Ansari from Headlines Today and Aaj Tak. Can I just make one more point about that last question? You see, over the last 10 years, the Congress party has given India the fastest growth rate in its history. At the same time, the Congress party has and the UPA have pulled out 14 crore people out of poverty. That's not a small thing. And we've done so on the back of our programs, and we've done so by allowing business to function. It is a fact that due to the global economic situation, we are not where we were in the earlier part of the term. But what one must understand is that the only way India is going to move forward is with a partnership that includes the poor, that includes the dispossessed, and includes business. If you try to construct a government that focuses only on business or focuses only on the poor, you will not take India forward.
And that is the lesson of India shining. That was the problem with India. And I speak to my BJP friends and I tell them this. It is something that they do not grasp. That the future of India is the poor people in India. The human resources that we keep talking about, they are not rich. They are poor. They are sitting in the villages. They are sitting in the small towns. And those are the people that the Congress party works for. But we also realize that you cannot make those people thrive without unleashing business. So what are we going to do over the next 5 years? We are going to put in $1 trillion into infrastructure. We are going to put in large amount of money, in more money into highways, more money into railways. We're going to construct a manufacturing backbone that is going to give millions and millions of people jobs. But we are not going to forget that the human resources, the future human resources of this country, the people who are going to build this country 10 years from today, 15 years from today, are the people who are living in our villages, the people who are struggling today in our villages, and we are going to give them a floor, as I mentioned, so that they can actually aspire to one day running their own business, to one day becoming powerful business people. That is the India of our dreams. It's fundamentally different than the India of the BJP's dreams. The India of the BJP's dreams, and this is my biggest problem with them. The India of the BJP's dreams is an India where few people run this country. And if one goes in that direction, then large numbers of people will question that idea. My question is both to Mrs. Gandhi as well as Rahul Gandhi. You can choose whoever wants to answer this. Rahul, one of the issues that Mr. Rahul Gandhi has talked about very vociferously is the problem of tackling corruption. You even wanted to tear up the ordinance which sought to repeal the which sought to amend the People's Representation Act, and then you go and give Mr. Ashok Chauhan, who's been charge-sheeted, a ticket. I mean, doesn't this fly in the face of everything that you've been talking about? May I answer the question? With great pleasure, ma'am. Well, the decision of giving Ashok Chauhan a ticket has been taken by the CEC. And as far as we know, Mr. Ashok Chauhan is not barred from contesting election by any law or by the Election Commission. Sanjay Jha from the Telegraph. Rahul ji, I have a question for you. The Prime Minister said that Narendra Modi as the Prime Minister of India will be disastrous for the nation. Do you agree with that assessment and why? The Prime Minister is a very wise man, and on most issues I bow to his wisdom, and I tend to support what he says. I think the issue here is not an individual. We like to discuss individuals, but the issue here is an ideology. And it's an ideology that is basically questioning the fundamentals of what this country stands for. It is basically questioning the idea of this country. And that is why I am against it. Individuals, yes, you can have a like, you can have a personal like or dislike, but the real issue is the dangers represented by the ideology. बहुत सारे लोग और सवाल पूछना चाहते हैं. हमारी कोशिश होगी कि फिर कभी ऐसा मौका हम लोग आयोजन करें. आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद. All right, 24 Akbar Road, where the Congress manifesto has in fact been released. It's very clear on a number of points. The Congress pretty much on expected lines releasing its manifesto, talking about creating an entirely new middle class. While unveiling the Congress manifesto, there are also talk of various rights that need to be given.
rights as far as housing, pension, along the lines of the various rights that haven't been given, right to education, like in the first tenure between 2009 and 2014. Now the Congress moving on and not just targeting the various sections of the society, but a strong opposition that has been mounted to Narendra Modi. We have seen that there are very specific reactions coming in. In fact, let's quickly go back. I believe another round of question answers is going on. Hello. Hello. मेरा सवाल सोनिया गांधी जी से है 2009 में मैंने ही आपसे सवाल किया था कि अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा आपने मैनिफेस्टो में अपनी फोटो छुपाई थी मनमोहन सिंह जी की दिखाई थी क्या 2014 में भी आप बता पाएंगी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा साफ तौर पर जनता से इस सवाल का जवाब पहले आप सबको दिया है राहुल ने खुद दिया है चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री जो जो एमपीज जो हमारे एमपीज जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे क्या हाँ पार्लियामेंट्री पार्टी धन्यवाद बहुत बहुत सब लोग हैं जितनों से भी हम लोग पूछ लें बहुत सब लोग फिर भी रह जाएंगे हम दोबारा से मौका आयोजन करेंगे दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोबारा से करेंगे चलो वन मोर चलिए उमा शंकर सिंह हमारे एनडीटीवी से उमा शंकर जी कहाँ हैं उमा शंकर सिंह मेरा सवाल सोनिया जी से है आज आपने ये घोषणा पत्र यहाँ पे पेश किया बहुत सारे वादे इसमें किए गए हैं कांग्रेस जब एक ईमानदार पहल की बात करती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2009 में जो वादे किए गए थे उनमें से कितने वादे पूरे नहीं हुए और जो वादे पूरे नहीं हुए उनका भी एक लेखा जोखा यहाँ पेश किया जाए तभी ये लगेगा कि ईमानदार कोशिश कांग्रेस की तरफ से पेश की गई है करीब करीब सारे वादे का अमल हुआ है करीब करीब सारे मनमोहन सिंह जी ने कई बार कहा कि 100 दिन में महंगाई कम होगी महंगाई कम नहीं हुई करप्शन के बहुत सारे चार्जेज कई लोगों पे लगे जिनमें से कईयों को टिकट दिया गया है इन सवालों पे जनता जवाब चाहती है सोनिया जी वेल इट इज सर्टेनली ट्रू दैट Prices have risen in the last 2 or 3 years, and there were reasons beyond our control. The energy prices are determined by international factors. In addition, we took a deliberate decision to reward our farmers with remunerative prices, and that it had the consequence that the consumers, of course, were required to pay higher prices. But we have made every effort to ensure that the effect of rising prices does not hurt the poor. The public distribution system has been so managed that in the last 10 years, there has been no increase in the prices of essential commodities, particularly the food grains. केजरीवाल के बारे में